नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। पेड़ पौधों की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आंवले के पेड़ यानी गूजबेरी के पेड़ के बारे में। क्या घर में लगा आंवला का पेड़ सुफलदायी है या असुफलदायी है? बहुत सारे मित्र मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं। आंवला तो एक खट्टा फल में आता है और खट्टा फल प्राय लोगों ने, जैसे नींबू का पौधा, कभी कभी लोग बोलते हैं वास्तु के हिसाब से घर में नहीं लगाना चाहिए। मैं भी उस नींबू पर भी वीडियो बनाऊंगा, आने वाला वीडियो मेरा होगा उस पर। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं आंवला का। आंवला का फल फल खट्टा तो है, लेकिन ये औषधियों से, गुणों से भरपूर है, ये औषधियों का राजा है, इसीलिए इसको घर में लगाना काफी शुभ होता है। इससे बहुत सारे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो कैसे होते हैं, साइंस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चलेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंवले में क्या औषधीय गुण होता है, क्या उसका औषधीय महत्व है। आंवला में विटामिन सी और आयरन आयरन पाया जाता है, हम लोग सभी ये जानते हैं और साइंस के हिसाब से ये प्रूफ भी हो चुका है। आंवला तनाव अनिद्रा को दूर करता है। अगर किसी में स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, तो आंवला के नित्य प्रतिदिन सेवन से ये दूर होता है। खून की कमी को दूर करता है और खून में आयरन की मात्रा अगर कम आ रही है तो ये इसको बढ़ाता है आंवला। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर अनेक बीमारियों से हमको दूर रखता है। दस मधुमेह, जलन की परेशानी में ये पेट में लाभ पहुंचाता है, तो पेट के लिए बड़ा ही फलदायी है, इसलिए आंवला का जूस, आंवला का मुरब्बा लोग खाते हैं। वात पित्त के साथ साथ ये पाइल्स में भी फायदेमंद है। तो आंवले का ये औषधीय महत्व है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। किसी का बाल टूट रहा है, झड़ रहा है, तो बालों के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। अब हम देखते हैं कि आंवले के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है। आंवले का पौधा भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय है। इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। भगवान विष्णु जो कि मायापति हैं, माया यानी कि धन लक्ष्मी, तो भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण अपने आप ये माता लक्ष्मी के भी प्रिय हो जाता है। तो जिस घर में आंवले का पेड़ लगा है, उस घर में धन दौलत अपने आप से आएगी, धन दौलत बढ़ जाएगा, ऐसा धार्मिक महत्व माना गया है। आंवले का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और घर में सुख समृद्धि लाता है, इसलिए आंवला का पेड़ का बड़ा ही धार्मिक महत्व है दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं कि आंवला का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा घर है, हमारा प्लॉट है, हमारा मकान है, जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। अगर इस पूरे प्लॉट को 9 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भागों में आंवले का पेड़ कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? इसको लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। कैसे दूर होता है? इसको हम लोग को उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं। उत्तर, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ लगा सकते हैं या पूर्व में लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा सुख और समृद्धि, गुड लक लाता है। उत्तर में ये बुद्ध का प्रतीक है और कुबेर का स्थान भी ये उत्तर कहा जाता है। अगर उत्तर में कोई वास्तु दोष है, कोई गड्ढा है, कोई गटर बना हुआ है, घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार इम्तिहान दे रहे हैं, उसमें फेल हो जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं आता है, आपके घर में पैसा संचय नहीं हो पा रहा है, तो उत्तर का स्थान जो है वो कुबेर का स्थान है। तो यहाँ आपके लगाने से आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष भी है उत्तर से संबंधित, उत्तर पश्चिम का कोना अगर बढ़ा हुआ है, तो उत्तर में आप आंवले का पेड़ लगाइए, ये आपके लिए गुड लक लेके आएगा। अगर उत्तर में जगह नहीं है आपके पास, उत्तर में जगह नहीं है और उत्तर सबसे अति उत्तम माना जाता है, लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, कुबेर का स्थान है, ये धन दौलत से आपका घर भर जाएगा। अगर उत्तर में जगह नहीं है तो आप इसको पूरब में भी लगा सकते हैं। आंवला जब सूख जाता है तो ये चमकीला हो जाता है, ये सूर्य का प्रतीक बन जाता है और सूर्य का प्रतीक समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अगर आप कोई जॉब में आप
मेहनत कर रहे हैं लेकिन मनचाहा फल नहीं मिल रहा है। बिजनेस में मनचाहा फल आपकी मेहनत के अनुरूप आपको नहीं मिल रहा है, तो पूरब में आप आंवले का पेड़ लगाइए, आपको मनचाहा फल मिलेगा। ध्यान रखिए कि ये पेड़ जो है आपके घर घर के छत से ऊंचा ना हो। इसको आप गमले, आपके पास जगह नहीं है तो गमले में भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है सर हम तो फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं तब कैसे लगाएं, तो फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग इसको गमले में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि सर मैं तो मूव करते रहता हूँ, कभी यहाँ रहता हूँ कभी वहां रहता हूँ। तो दोस्तों एक पेड़ एक पुत्र के बराबर होता है, आप कहीं भी ये पेड़ लगा दीजिए, किसी दूसरे के घर में लगा दीजिए या अपने दोस्तों के यहाँ लगा दीजिए या सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिए। आंवला का पौधा इतना फलदायी है, इतना गुणकारी है कि उसका फल आपको आपके जीवन में कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। तो आंवले का पौधा जरूर, जीवन में एक आंवले का पौधा जरूर लगाएं, तभी आपके शरीर जीवन में ये पौधा सुख समृद्धि और गुड लक लाएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।